दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं TS-13 से 14 पर 3-स्टार स्टैक। सही सुन रहे हैं, लो हीरोज़ के साथ TS-13 से 14 पर 3-स्टार अटैक्स किए गए हैं। ब्लिज़ार्ड आर्मी यूज़ की गई है और काफ़ी शानदार वीडियो होने वाली है। यहाँ पर वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें और दोनों अटैक्स हम आपको दिखाते हैं। ब्लिज़ार्ड आर्मी के साथ TS-14 पर 3-स्टार अटैक हुए हैं और पॉसिबिलिटी हो जाती है अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं तो 14 पर आप 3-स्टार्स कर सकते हैं TS-13 से। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैक्सिमम दोस्त ऐसे हैं कि वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल। और काफ़ी अच्छा बेस है, लेआउट तगड़ा है इसमें। यहाँ पर एक्सपोज स्कैटर शॉट्स मैक्स हैं, हीरोज़ मैक्स हैं, इन्फर्नो टावर यहाँ पर देखें आप मैक्स हैं और ईयर डिफेंस तक मैक्स है। तो इस पर आप सोच सकते हैं कि TS-13 से 3-स्टार्स हुआ है और काफ़ी अच्छा लेआउट है यहाँ पर। जो इन्फर्नो टावर्स हैं सिंगल हैं और यहाँ पर कोर में देखें आप काफ़ी हैवी डैमेज है यहाँ पर, क्योंकि एक साथ हैं, कॉम्पैक्ट हैं यहाँ पर डिफेंस। तो अब शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ से अटैक शुरू हुआ है। और सबसे पहले यहाँ पर आएगा एक लून और बैटल ब्लिंप टाउन हॉल की तरफ आ चुकी है। बैटल ब्लिंप तो इनविजिबल स्पेल जल्दी यूज़ किया गया और करना भी चाहिए तुरंत यूज़। तो साथ में रेज के साथ टाउन हॉल मिल चुका है। यहाँ पर एक एक्सपो स्कैटर शॉट एयर डिफेंस और विजार्ड टावर भी मिल गया, तो अच्छी वैल्यू मिली है यहाँ पर सुपर विजार्ड्स के साथ। तो सीसी भी ल्यूर हो चुका है, सीसी में निकला है यहाँ पर अपोनेंट के एक लावा होंद और आइस कोलम। यहाँ पर करना पड़े किया है इसने पॉइजन और एक बेबी ड्रैग भी डिप्लॉय करा है, तो काफ़ी सही वैल्यू मिली है गाइस। यहाँ पर इनविजिबल स्पेल अभी भी एक बचा है, 4 लिए हुए थे आई थिंक 5। तो साथ में है 3 हेस्ट 3 फ्रीज। तो यहाँ पर देखेंगे गाइस आइस जो लावा के पप्स निकले हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। ये तो रही गाइस, सबसे पहले आपने वैल्यू लेनी है ब्लिंप के साथ। तो किंग डिप्लॉय करा है इस तरफ, सिंगल इन्फर्नो है यहाँ पर, सिंगल इन्फर्नो के लिए यहाँ पर एक यहाँ पर सुपर वॉल ब्रेकर और आइस गोलम डिप्लॉय करके ताकि ये फ्रीज हो जाए। यहाँ पर आरसी और सिंगल इन्फर्नो फ्रीज हो चुका है, किंग और क्वीन इसी पाथ में आ रहे हैं। तो दूसरी ओर से यहाँ पर एक लावा हॉन्ट और कुछ लोन्स डिप्लॉय करे गए हैं सिंगल इन्फर्नो के सामने और कुछ इस तरफ से, ताकि जो यहाँ पर लोन्स हैं वो सीधा आए ईगल आर्टिलरी की तरफ। काफ़ी सही है, हेस्ट यूज़ किया गया, तो 3 हेस्ट 3 फ्रीज और कुछ इनविजिबल स्पेल लेके। तो इसमें यही स्ट्रेटजी रहती है। एक और लावा हॉन्ट आ चुका है इस तरफ से, अभी तक क्वीन जिंदा है गाइस, क्वीन अभी जिंदा है, तो क्वीन यहाँ पर एयर डिफेंस ले लेगी। यहाँ फ्रीज किया गया है और साथ में हेस्ट स्कैटर शॉट को, इजली ये 3 स्टार्स है, इजली 3 स्टार है गाइस। अभी एक सिंगल इन्फर्नो बचा हुआ, तो यहाँ पर फ्रीज कराया गया है वार्डन और सिंगल इन्फर्नो को, लेकिन आरसी अभी तक है। तो आरसी आपने लेटर ऑन यूज़ करनी है और ये जो ब्लिंप है ब्लिंप से मैक्सिमम वैल्यू मिल जानी चाहिए ब्लिंप से, और हीरोज़ के साथ आप आइस गोलम यूज़ करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी थी गाइस, इस पर ईजली 3 स्टार्स हो गया है, कमाल का अटैक है। आर्मी देख लें यहाँ पर, 4 इनविजिबल स्पेल, एक पॉइजन तो यूज़ करना ही है, 3 फ्रीज और एक पॉइजन, 3 हेस्ट और सीसी में तो आइस विजार्ड हैं और 24 लोन्स 3 लावा हॉन्ड के साथ और बाकी मिनियंस वगैरह लेने हैं आपने, तो 3 लावा हॉन्ड के साथ ये आर्मी रही गाइस। और अब हम नेक्स्ट अटैक देखते हैं, ये रहा गाइस नेक्स्ट बेस, ये भी TH-14 है और कोर में देखें काफ़ी हैवी डिफेंसेस हैं यहाँ पर, 5-स्टार टोन हाल है, 5-स्टार। और यहाँ पर गाइस देखें आप, सेंटर में काफ़ी हैवी डिफेंस है, एक्सपोज इन्फर्नो टावर स्कैटर शॉट हीरोज। तो इस पे भी गाइस सैम स्ट्रेटजी के साथ 3 स्टार्स हुए हैं। अब देखें गाइस इस अटैक में सैम आर्मी है, 3 लावा हॉन्ट 27 लोन्स 4 इनविजिबल स्पेल 3 फ्रीज 3 हेस्ट और आरसी देखें सिर्फ लेवल 12 की। यहाँ पर हैवी डैमेज है कोर में, क्योंकि ब्लिंप को तो आगे पहुँचाना है, यहाँ पर हैवी डैमेज है। इसके लिए सबसे पहले लावा हॉन्ट डिप्लॉय करा गया ताकि यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हों डिफेंसिस। तो ब्लिंप आ चुकी है यहाँ पर, फ्रीज सिंगल इन्फर्नो और इनविजिबल स्पेल तुरंत ऊपर रेज, यहाँ पर आप तबाही मचाएंगे, जो स्कैटर शॉट एक्सपो टोन हॉल मिल जाएगा तो वैल्यू अच्छी मिल जाएगी यहाँ पर। अभी विजार्ड्स देखें क्या तबाही मचा रही हैं कोर में, तो टोन हॉल भी मिल गया, देखिएगा इस यहाँ पर कितनी वैल्यू मिली है आइस विजार्ड्स के थ्रू। तो एक्सपोज को भी काफ़ी डैमेज मिला है, लेकिन अभी एक्सपोज नहीं ली है, एक दो मिल चुकी है। तो यहाँ पर वही स्ट्रैटेजी फिर से,
सबसे पहले आएगा आइस आइस कोलम, और अब आएंगे वॉल ब्रेकर्स ताकि ये कंपार्टमेंट खुले, पॉइजन कर दिया है सीसी को। तो यहाँ पर वॉल ब्रेकर के साथ हीरोज पीछे पीछे, तो यहाँ पर सीसी जो अपोनेंट का था वो भी फ्रीज हो गया, डिफेंसिस भी। तो हीरोज के साथ यहाँ पर ये एरिया क्लीन करके ताकि जो लोन्स आएँ वो एक डायरेक्शन में आएँ, ऐसा ना हो कि भटक जाएँ लोन्स। तो ये स्ट्रेटजी बेस्ट है, वन साइड आपको क्लियर करना पड़ता है, एक पाथ बनाना पड़ता है लोन्स के लिए। और यहाँ अच्छी वैल्यू मिल जाएगी, अभी किंग की हेल्थ काफ़ी है, क्वीन की भी। तो देखेंगे गाइस यहाँ पर अभी काफ़ी सारे डिफेंसेस हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी दो लावा हाउंड है, एक तो ब्लिम के साथ यूज़ करा गया था, 27 लोन्स एबिलिटी यूज़ कर ली गई है यहाँ पर किंग की। तो अब लोन्स आ चुके हैं, लोन्स और लावा हाउंड काफ़ी सारे लोन्स एक साथ। तो यहाँ पर एक लोन्स के साथ एक हेस्ट, दोनों जो लावा हाउंड हैं डिप्लॉय किए गए, और एक और हेस्ट यहाँ पर टोर्नेडो ट्रैप है। तो एबिलिटी सही टाइम पे यूज़ करी गई है, देखो वन डायरेक्शन में जो है लोन्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोन्स हैं अभी, और डिफेंसेस उतने अभी बचे नहीं हैं, लोन्स काफ़ी सारे हैं। और अभी आरसी भी है, आरसी सिर्फ लेवल 12 की है, कमाल है यार, कमाल का अटैक है गाइस, कमाल का। तो एयर डिफेंस भी मिल गया, अब बच गया यहाँ पर एक विजार्ड टावर, एक इन्फर्नो टावर और आर्चर टावर। तो अब हम जल्दी से देखते हैं, यहाँ पर मिल गया यहाँ पर इन्फर्नो टावर भी और आर्चर टावर भी, तो इजली हो गया, काफ़ी सारे देख सकते हैं यहाँ पर लोन्स बचे हैं यहाँ पर, तो 3 स्टार्स हो गया इजली गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, दोनों वीडियोस। तो ये स्ट्रेटजी रही गाइस, सबसे पहले आपने यूज़ करने हैं अच्छे से जो इनविजिबल स्पेल है वो तुरंत यूज़ कर लेना है, काफ़ी ईजिली से आप 3 स्टार्स कर सकते हैं TH-14 पे, सेमी मैक्स अगर हो तो। ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो गाइस